वाहिगुरु साहिब जीयो यकी अश्पुषा इस्ताई यक हजार बयाता बगीरी बमन दयारु शहन शायरा बंदाए चाकरीम अगर हुक्म आयद बजा हाजरीम गरचो बे आयद बापुरमानो मन हजूरत बे आयद हमा जानो तन। अगर तू बयजदा परस्ती कुनी बकारे मराई ना सुस्ती कुनी बयायद के यशदा शनाशी कुनी ना गुफ्तां कशी कश खराबी कुनी तू मसनंद नशी सरवर कायनात बे अज बस्त इंसाफ ही हम शिफात के अज बस्त इंसाफ होनी परवरी कि है वो अष्ट सद है की सरवरी। तो ये स्टार्ट नंबर तक आपां पाठ उच्चारण किया है जी। शेर नंबर 61 जिहड़ा ये शेर है ना गुरमुख सारे जफरनामे दे विच्चों अर्थां दे हिसाब दे नाल आ बहुत ज़्यादा वक्खो वक्रे अर्थ किए ने ये इस शेर के 61 नंबर दे। और देखो जो आप अर्थां की गल करते हैं ना गुरबाणी के अर्थ होण भावें ये जफरनामे के अर्थ करते हैं कथा सुननी ते घरे अर्थ पढ़ लेने यही फर्क होंगे। तुसीं जे को भी मैं घरे टीका लियाऊंगा जी स्टीक लियावांगा जफरनामे की तां तुसीं एक ही विद्वान दे अर्थ पढ़ सकते हो एक दे। पर जे तुसीं कथा दे विच सरवण करोगे तो कथा दे विच इह हुंदा है वी चार पंज विद्वानां दे अर्थां नूं वेखीदा जो सब तो सही लगते है सब तो ढुकवें लगते है वह संगत सामने रखने सब तो सौखे होंगे है। तो यही फर्क हुंदा है जिहड़े कथा राहीं हुंदे आ वह सब तो ढुकवें ते सब तो सौखे अर्थ तुहाडे कोले पहुँचते हुंदे है। हुण जिहड़ा ये शेर है ना पहला ये आप अखरी अर्थ करते हैं फिर आप समझांगे। यके अशप शाइस्ताई यक हजार क्योंकि इतने शाइस्ताई लिखा शश शाइस्ताए जो ये आप संधि विच्छेद करांगे शाइस्ताए यक हजार बयारा बगीरी ब मन ही दया इदा। यके अशप यके अश्प की हुंदा है मुसलमानी राजसी सूबेदारां दे कोले चौधरियां दे कोले जिहड़े जगीरदार हुंदे सी उन्हां दे कोले वक्खो वक्खरे तखल्लस हुंदे सी उन्हां दी ताकत उन्हां दी बहादरी दे अनुसार किसी नूं 100 घोड़ा रखण दी आग्या सी क्योंकि एक औरंगजेब है औरंगजेब दे समय ये गल ते स्पष्ट है वी हकूमत दे बंदियां तो हकूमत दे चलन अनुसार जिहड़े सन उन्हां तो बिना किसी नूं घोड़ा रखण की आग्या नहीं सी। जिहड़ा औरंगजेब की गुलामी स्वीकार नहीं सी करदा उहनूं घोड़ा रखण की मनाही सी क्योंकि हुक्म सी वी घोड़ा रखना घोड़े ते चढ़ना ये आजाद कौम दे आजाद बंदियां दा काम और ये कई थां अज भी सानू मिल जाता। आ थोड़े दिन पहला मैं खबर पढ़ रहा सी यूपी दे विच कोई जिहनूं असीं आम तौर पर समाज नीवीं जात कह दिंदा उहदे बच्चे का विआह सी आ यूपी च होण दी घटना ही है ते उह हुण माँ प्यो नूं चाह हुंदा गरीब तां गरीब भावें कितना चाह तां हुंदे ही है कि साडा बच्चा भी घोड़े चढ़ के ते फिर वह लड़की वालों के घर जाए तो वह घर तो घोड़े ते बिठाया बच्चों नूं किराए ते लैंदा होना घोड़ा कोई तो वह जदों पिंड दे विच दी लंघ के तो वह जा रहा ना तो जिहड़े अपने आप को उच्च स्वर्ण जाति खवाउंदे खत्री ते ब्राह्मणां दे बच्चे उन्होंने वो बरात ही घेर ली
और सारी बरात नूं कुट्टिया मारिया बेइज्जत कीता गया। कारण की वी साडे हुंदे तुसी कौन हुंदे हो घोड़े ते चढ़न वाले। हुण अजे महीने की घटना ही है ये यूपी दे विच अजे भी यह है वी साडे हुंदे तुसी घोड़े चढ़ोगे। तो इदां इह तां जिहड़ा आ इह तां गुरु नवाजी धरती जिहड़ी है तुसी इह उत्तरी भारत लै लो थोड़ा जिहा इह सतगुरां की कृपा रही इत्थे लोग रहे बागी तबीयत दे झुकते रहे जिहड़े सन अहंकारी। तो जिहड़ा ये यके अश्व अश्व शब्द अश्व तो बनया तो अश्व का अर्थ हुंदा घोड़ा अश्व घोड़े नूं कहा जाता अश्व घोड़ा। यके अश्व एक अहुदा सी जिस बंदे दे कोले 1000 घोड़ा हुंदा सी 1000 घोड़ा रखण दी जिहनूं आग्या हुंदी सी ते उहनूं एक अहुदा मिलदा सी बड़ा उच्चा उस अहुदे नूं यके अश्व कहा जाता सी। तो इहदा अर्थ बनदा है 1000 घोड़ा रखण वाला मनसबदार कह लो इहनूं जगीरदार एक ये अहुदा सी। तो जिहड़ा अगे है शाइस्ता है दा अर्थ हुंदा सिधाया होया सिद्ध कीता होया भाव कि नवाजिया होया बादशाह दे वल्लों नवाजिया होया। यक हज़ार एक हज़ार बया तां बगीरी आओ ते प्राप्त करो। बयां दा अर्थ है आना बगीरी दा अर्थ है प्राप्त करना। बा मन ई दयार दा अर्थ है ये इलाका ई दयार ये इलाका। हुण इहदा की अर्थ बनिया कि आओ असी तुहानूं इस इलाके का यक अश्वी बनावांगे 1000 घोड़ा प्रदान करांगे ते आओ तुसी ए इलाके उत्ते अपना हुक्म चलाओ। हुण आ जिहड़ा बचन आ ना ये की है ये असल में गुरु कलगीधर पातशाह के खुद के हिरदे के बचन नहीं है। ये की बचन ने जिहड़ा औरंगजेब ने चिट्ठी लिखी सी धन गुरु कलगीधर पातशाह ने ओहो जिहड़ी चिट्ठी सी ना उस चिट्ठी विच औरंगजेब ने गुरु कलगीधर पातशाह दे नाल आ वादा कीता सी बिल्कुल हूबहू आ वचन औरंगजेब बादशाह ने गुरु कलगीधर पातशाह नूं आ वचन लिखिया सी और धन गुरु कलगीधर पातशाह ने औरंगजेब का किया होया हूबहू शेर है जिहड़ा वह चक्के इत्थे लिख दिता औरंगजेब नूं याद करवाया भी आ तूं कहिंदा सी। तो ये ध्यान समझो जिहड़ा आ 61 नंबर शेर है ये औरंगजेब का इकरारनामा है गुरु कलगीधर पातशाह ने और हूबहू पातशाह ने उवें लिख दिता। इस करके क्योंकि हुण ये की है जे असी कह दईए भी 1000 आदमी तुसी आओ ते असी तुहानू मनसबदार बनाउणे हां ये तां बादशाह कह सकदा ना ते गुरु कलगी जे ये बादशाह हुण लिखदा होवे हुक्म जारी करदा होवे ते इहदा भाव कि गुरु कलगीधर पातशाह तां घोड़िआं दी कोई कमी भी नहीं है लखां रुपईआं दे घोड़े सतगुरु पातशाह दे अगे सिख भेटा करदे हुंदे सन। इस करके ये औरंगजेब ने गुरु कलगीधर पातशाह नूं चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी जिहड़ी चिट्ठी आनंदपुर साहिब पहुँची उहदे विच लिखिया कि हे धन गुरु कलगीधर सतगुरु जी तुसी आओ तुसी आनंदपुर नूं छड्ड दिओ तुसी कांगड़ दे इलाके वल आओ ते कांगड़ दा इलाका तुसी संभालो। बया ना बगीरी ना मन ई दयार कि तुसी आ इलाके नूं संभालो इहदे उत्ते अपना हुक्म चलावो ते असी तुहानूं 1000 अश्व यक अश्व दा जिहड़ा है अहुदा देवांगे ते तुसी इत्थे कांगड़ लग के अपना हुक्म चलाओ जी आ। भाव कि इह वचन औरंगजेब ने गुरु कलगीधर पातशाह नूं कहा सी गुरमुख और सतगुरु पातशाह उही चेता करवाउंदे ने अच्छा एक होर समझो चेता करवाउण दा अर्थ इह नहीं भी पातशाह कोई 1000 घोड़ा चाहते है भी चल उदो तो हूँ सानू दे दे इहदा अर्थ ये नहीं बनना। इहदा अर्थ की बनना है पातशाह ये समझा रहे ने भी उदो तू की कहिंदा सी तू बाद विच की कीता
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਘੋੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੱਕ ਅਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਚੌਧਰ ਕਰੋ ਜੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੂਬ ਹੂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯੱਕ ਅਸ਼ਪੁਸ਼ਾਇਸਤਾਏ ਯੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਆਤਾ ਬਿਆਰਾ ਬਗੀਰੀ ਮਨੀ ਦਿਆ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਏ ਰਾ ਬੰਦਾਏ ਚਾਕਰੇਮ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਆਯਤ ਬਜਾ ਹਾਜ਼ਰੇ। ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਬਾ ਬੰਦਾ ਏ ਚਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਕ ਨੌਕਰ। ਚਾ ਕਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਨੋ ਮਨੋ। ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਆਯਦ, ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਜਾ ਬਾ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰੇਮ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਜ਼ਰੇਮ ਬਜਾ ਹਾਜ਼ਰੇਮ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਆਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਤਾ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 1000 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ 1 ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ 1000 ਘੋੜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖ ਹੈ। ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਰਾ ਬੰਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਬੰਦਾ ਏ ਚਾ ਕਰੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਤਨੋ ਅਤੇ ਮਨੋ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਆਯਦ ਬਜ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਹੇ, ਹਾਥੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਗਰਚ ਬੇਆਯਤ ਬਾ ਫੁਰਮਾਨੇ ਮਨ, ਹਜ਼ੂਰਤ ਬੇਆਯਤ ਹਮਾ ਜਾਨੋ ਤਨ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਰਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ, ਅਗਰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ, ਬਿਆਯਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮਾਨੇ ਮਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਮਾਨ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਰਮਾਨ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਇਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਫਰਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ,
ਝੱਡਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਝੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਫਰਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਚ ਬਿਆਨ ਬਾ ਫਰਮਾਨ ਮਨ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਭੇਜ ਦੇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਭੇਜੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰਤ ਹਜ਼ੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਬਿਆਨਮੰਦ ਹਮਾ ਜਾਨੋ ਤਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਬਾਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਬੈਠਦਾ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਣੇ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਵੇਂ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆਂ ਖੜਿਆਂ ਕੀਤੀ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਭੇਜ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਜਦਾ ਪਰਸ਼ਤੀ ਕੁਨੀ ਬਾਕਾਰੇ ਮਰਾਂ ਈ ਨਾ ਸੁਸਤੀ ਕੁਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬਯਸਦਾ ਪਰਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਬਾਕਾਰੇ ਮਰਾਈ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਕੰਮ ਈ ਮਾ ਕਾਰੇ ਮਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਮ ਮਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਈ ਨਾ ਸੁਸਤੀ ਕੁਨੀ ਨਾ ਸੁਸਤੀ ਕੁਨੀ ਹੁਣ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕੱਟ ਲਾਣਾ ਪੈ ਜੋ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਮਿੱਠ ਤੋਂ
बिना किसी देरी तो पूरा कर। बयायद के यश दश नाशी कुनी ना गुफ्तां कशे कश खराशी कुनी। पातशाह कहिंदे औरंगजेब बयायद अथंदा चाहीदा है, चाहीदा तां इह सी कि यशदा हुंदा है परमात्मा खुदा, शनाशी कुनी, शनाशी की हुंदा है पहचान, कुनी दा अर्थ है करें। चाहीदा इह है तू हुण भी सच की पहचान करें भी सच की है। यशदा दा अर्थ है खुदा, खुदा दा अर्थ है सच। तैनू हुण भी चाहीदा, तैनू लोड़ है हुण भी इस गल की, जे सचमुच ईमानदार है तू सच की पहचान करे भी सच की सी, की सच की सी। ना गुफ्ता कशे किसे दे कहे दे उपर, गुफ्ता की हुंदा कहे, कसे दा की अर्थ है किसे दे, किसे दे कहे दे उपर तू भरोसा ना करे। खराशी कुनी, खराशी दा कहिंदा दुखी करना, भाव किसे नू दुखी ना करें, तू सच की पहचान कर। जे तू सचमुच खुदा प्रस्त है तो इहदा अर्थ की बन रहा, अर्थ समझो। धन गुरु कलगी तर पातशाह ये कहना चाहते ने अक्सर जेडे तख्तों पर बैठे होंगे ने कन्ना दे कच्चे होंगे ने। औरंगजेब कन्ना कच्चे का की अर्थ होंगे, जो सलाहकारा ने जो आसे पासे वाले ने कहा उन्होंने सत करके मन लिया, कन्ना दे कच्चे ही होंगे। तो गुरु कलगी तर पातशाह इत्थे औरंगजेब नू कन्ना दा कच्चा ही कह रहे हैं कि औरंगजेब जो तैनू पहाड़िए कही गए, पहाड़ियां ने ही कहा ना। देखो जदों जिहड़ा सब तो वड्डा आनंदपुर दे उत्ते हमले का कारण, बहुत वड्डा कारण जिथे औरंगजेब की नीति है, दो कारण सी वड्डे जिहड़े कारण सी। एक तां सी औरंगजेब की नीति भी सारियां नू मुसलमान बनाउणा हिंदुस्तान नू, ते सब तो वड्डी रुकावट की है गुरु नानक दा घर, इनू खत्म करन। एक ते दूजा सी जेड़े खत्री राजे सन पहाड़ के वो चिट्ठियां लिखते सी, जिवें ना 84 दे विच जदों दरबार साहब दे उत्ते हमला हुंदा है, ते उस समय दियां सरकारां दे वल्लों इत्थों तक कि जिहड़ी अपने आप नूं सिखां दी पंथक पार्टी कहाउंदी सी उहनां दे वल्लों वी सरकार नूं चिट्ठियां लिखियां गईयां दरबार साहब ते हमला करन दे लई। इदां इसे तरह दे ना उह चिट्ठियां तां हुण सामने आ गईयां, बाद विच हुण तां नैट ते पिंगां मिल जांदियां ने वी भाई आ जिहड़ियां चिट्ठियां लिखियां इहनां ने सारिआं ने। उस तरह पहाड़ी राजिआं ने चिट्ठियां लिखियां औरंगजेब नूं, औरंगजेब फकीर दा की काम है किले बनाउणे, फकीर दा की काम है नगारे वजाउणे, गुरु दा की काम है फौजां रखणियां, गुरु दा की काम है हाथी घोड़े रखणे, गुरु का की काम है लोगों नूं तलवारां चलाउणियां, बरछे चलाउणे, तीर कमान चलाउणे सिखाउणे, ये गुरु का काम हुंदा है। ये गुरु नहीं है, गुरु दे भेख दे विच साजिश करता बैठा है। पहला इहने साडियां राजां ते कब्जा करना है, फिर औरंगजेब तेरे दिल्ली तख्त नूं भी हत्थ पाउणा है। ये लिखिया पहाड़ियां ने, ये केवल मता समझ औरंगजेब, ये साडे लई खतरा है। जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह है ये फौजां तैयार करदा पिया, किले तैयार करदा, नगारे वजाउंदा, कलगी सजाउंदा, सच्चा पातशाह कहाउंदा है। इस करके इहने साडे नाल झगड़ा भी करना है, ते जे असी हार गए तां फिर ये औरंगजेब तेरे दिल्ली तख्त नूं भी हत्थ पाएगा। तो ये डराउंदे रहे। जदों गुरु कलगीधर पातशाह वार वार कहिंदे पए ने भी भाई साडा तो लड़ाई झगड़ा ही किसी ना कोई नहीं सी, पर यह पहाड़ियां ने जचाई गल और चिट्ठियां लिख लिख के मजबूर किया भी असी भी तेरे नाल हाँ, तू भी आ, ते आपां गुरु गोबिंद सिंह नूं रल मिल के इहनूं खत्म करदे हां। और यह होया आनंदपुर दीआं 12 जंगां दे विच्चों पहलियां 10 जंगां पहाड़ी खत्री राजिआं दे नाल लड़दियां पईआं। उह राजे जिन्हां राजिआं दे वड्डे वडेरिआं नूं गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह ने ग्वालियर के किले विच्चों बचाया सी। जे औरंगजेब वादे भुल गया ना अपने, तो ये पहाड़गे भी गुरु दीआं बख्शां नूं भुल गए सन भी असी अज इन्हां पहाड़ां दे मालक तां बने आ जे साडे बजुर्गां नूं गुरु हरगोबिंद साहिब ने बचाया सी। तां उह भी भुल गए सी सब कुछ, औरंगजेब कसमां भुलिया
पहाड़ गए गुरु दिया बख्शिशा भुले तो पातशाह वह चेता करवाते पे ने तू कन्ना दा कच्चा है सच की पहचान करें यही तेन चाहिए तू असलीयत नू जानदा अगला बचन तो मसनंद नशी सरवर कायनात के अज बस्त इंसाफ इमम शिफात। पातशाह कहिंदी कहन लगे औरंगजेब मसनद हुंदा गद्दी मसनद मसल तो शब्द मसंद बनया गद्दी का मसनद सरदार तख्त के उत्ते बैठण वाला तू पातशाह इत्थे जिहड़ा आ शेर है ना इह सब तो कमाल का शेर है समझो कहन लगे तू मसनद नशी तू अपने आप नू तख्त का बादशाह कहाउणा है गद्दीदार कहाउणा है तू अपने आप नू तख्त का बादशाह कहाउणा है सरवर कायनात सरवर की हुंदा है मुखी कायनात दा कि संसार ते तू सारे संसार का मुखी अखवाउणा है अपने आप नू औरंगजेब तू तख्त का बादशाह ते सारे संसार का अपने आप नू मुखी अखवा रहे हैं कि अज बस्त इंसाफ इमम शिफात पर देख तेरा इंसाफ तो वेख औरंगजेब कहाउण नू तू बड़ा कुछ कहा रहे हैं पर तू इंसाफ तो देख अपना ये तो तेरिया सिफतां ने तेरे काम होर ने तेरे तेरा नाम कुछ होर है ये कह रहे ने पातशाह भी कहाउणा तू बादशाह है कहाउणा तू संसार का मुखी है पर यह सोचता सही कि बादशाह तेरे वर्गे होंदे है संसार का मुखी तेरे वर्गा हुंदा है जिहड़ा इंसाफ तू कीता है कि बादशाह ओह जा इंसाफ करता हुंदा है वादे करके कुरान दियां सफक भुल जाना कि ये तख्त उत्ते बैठण वालियां दा काम है औरंगजेब आ कह रहे ने पातशाह और एक बचन होर समझो जदों ना धन गुरु कलगीधर पातशाह फतेहनामा लिखते है फतेहनामा जिहड़ा इस तों पहला चिट्ठी लिखी पातशाह ने माछी वाड़े उहदे च तां पातशाह बिल्कुल स्पष्ट लिखते है ना जेबद तुरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब ना आयद फरेब। औरंगजेब का अर्थ हुंदा है तख्त की शोभा की लिखते पातशाह कहन लगे औरंगजेब तेरा नाम रखिया सी मां बाप ने औरंगजेब असल उहदा जिहड़ा नाम सी ना उहदा नाम सी अफू जबर मुआदीन मुहम्मद अबू फजर मुआदीन मुहम्मद औरंगजेब पूरा नाम सी उहदा औरंगजेब अर्थ हुंदा है तख्त की शोभा औरंगजेब नाम तेरा तख्त की शोभा है तेरे मां बाप ने सोचिया होना है वड्डा होवेगा तू तख्त की शोभा बनेगा पर सच यह है तू तख्त की बदनामी का सब तो वड्डा कारण है जदों भी कदे तख्त के उत्ते बैठने वाले बदनाम राजियां की गल हुंदिया होया करेगी औरंगजेब तख्त से बैठने वाले सब तो बेईमान राजियां विच तेरा नाम सब तो पहला होया करेगा अखवाउणा तू औरंगजेब है पर तू तख्त की शोभा नहीं है ये पातशाह ने लिखा फतेहनामे दे विच सख्त बचन लिखे उही बचन इत्थे कह रहे ने कि तू गद्दी उत्ते बैठने वाला है तू अपने आप नू सिरमौर कहाउणा है ये तेरिया सिफत हैं पर देखता सही कि तेरा इंसाफ सही सी कि तेरे कर्म सही हैं कि अज बस्त इंसाफों दी परवरी कि है अष्ट सद है ई सरवरी कि कहन लगे ये तेरा इंसाफ बड़ा अजीब है बड़ा वखरा है तेरा औरंगजेब ये इंसाफ तो पातशाह कहिंदे जे तेरे वर्गे ही तख्त दे उत्ते बैठने वाले तेरे वर्गे बादशाह हुंदे है कि हैफ अष्ट सद हैफ ई अश्वरी अफसोस है सानू हैफ का अर्थ अफसोस अर्थ की बनिया पातशाह कहिंदे ने औरंगजेब जे बादशाह तेरे वर्गे हुंदे ने तेरे वर्गे तेरी धर्म प्रस्ती बड़ी अजीब है तेरी प्रभु का की अर्थ है धर्म प्रस्ती तेरी धर्म प्रस्ती बड़ी अजीब है बड़ी वक्री है और जे तेरे वर्गे बादशाह होंदे है तो सानू अफसोस है कि दुनिया के लोगों नू तेरे वर्गा बेईमान बादशाह मिलिया है सानू इस गल दे उत्ते बहुत अफसोस है अफसोस है। तो इन्ने सख्त जिहड़े वचन ने गुरमुखो एक तख्त दे बैठे उत्थे बंदे नू कहने
और बादशाह नूं कहने जिहड़ा बादशाह दा नाम सुणदिआं दूर दूर तक लोग कंब जांदे सी, उह बादशाह नूं इन्ने सख्त बचन कहने जिहड़ा बादशाह रोजाना लखां हिंदुआं नूं मार के रोटी खांदा है, उह बादशाह नूं कहने जिन्हें अपने बाप दे उत्ते तरस नहीं किया। शाहजहां सी सुट्टा जेल दे विच, छुट्टिया जेल दे विच, उह चेता रखो जिहड़ा आगरा सुट्टिया, आगरे बंद करता उहनूं, और इन्ना जालम सी औरंगजेब कि उहने शाहजहां ने ताजमहल बनाया सी, अपनी जिहड़ी उह पत्नी सी उहदी बेगम सी मुमताज दी याद दे विच, ते उह खिड़की रखी सी उहने, इक खिड़की दे राहीं उह ताजमहल नूं देख के कदे कदे हस पैंदा सी, कदे उहनूं चेता आ जांदा इदां दा अपने उह समां। ते एक दिन किसी ने कहा भी औरंगजेब तेरा बाप अज हसदा पिया सी, किसी ने कहा तेरा प्यो अज हसदा पिया सी, वो कहिंदा पता करो हसदा क्यों सी, पता कीता भी खिड़की खुली है ते कदे कदे ना वो महल देखदा ताजमहल ते उहनूं बेगम याद आ जांदी है, वो हस पैंदा। उस दिन तो औरंगजेब नूं वो खिड़की भी बंद करवाती, कहिंदा मेरे प्यो नूं हसण दी भी आग्या नहीं है मेरे प्यो। पति उहदी बच्ची सी जेहबल निसा, उहदा विआह नहीं कीता जेहबल निसा, कुआरी रखी औरंगजेब ने अपनी धी नूं, क्यों कुआरा रखिया, कदे जवाई अगे झुकना ना पै जाए, जवाई झुकना पैंदा कई बार बंदे, कहिंदा जवाई अगे झुकना ना पै जाए कदे, अपनी धी रख ली कुआरी उहने, इदां दा सी अपने भरावां नूं गऊ दे मास विच मड़वा के मारिया उहने। तो इदां दे जालम राजे नूं इदां दे सख्त बचन कहने, और सख्त बचन कह के ये कहना भी तैनूं मिलन वास्ते भी तैयार हाँ, एडा वड्डा जिगरा केवल धन गुरु कलगीधर पातशाह दा ही हो सकता है। सतगुरु पातशाह कृपा करन, भुलां चुकां दी खिमा 67 शेर तक अर्थ होए ने जी, फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।